अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और करंट न्यूज से आगाह करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ईरान के बाद अफगान महाजरीन को डीपोर्ट करने के लिए ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने भी ठान ली है। अब बेसिकली अफगान महाजरीन को डीपोर्ट करने के पीछे ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने ये एकदम क्यों उठाया है, अफगान महाजरीन को वो क्यों निकाल रहे हैं, ये कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगा। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो ऑस्ट्रिया के वफाकी दफ्तर बराए इमिग्रेशन एंड साइलम ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में एक अहम तब्दीली का ऐलान किया है, जिसे अफगानिस्तान में हर मामले की बुनियाद पर मुल्क बदरी की इजाजत दी गई है, जिसकी वजह से मुल्क में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के तौर पर बयान करते हैं। ये फैसला पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली की निशानदेही करता है, क्योंकि अगस्त 2021 में तालिबान के दोबारा कंट्रोल हासिल करने के बाद से अफगानिस्तान में मुल्क बदरी मुअत्तल कर दी गई थी, लेकिन जर्मनी के हालिया इकदाम से मुताबकत रखने वाले इकदाम में ऑस्ट्रिया बर्लिन के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखता है, जिसने हाल ही में 28 सजा याफ्ता मुजरमों को अफगानिस्तान भेज दिया है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल हीमर ने मुल्क बदरी खास तौर पर अफगान और शामी शहरियों के लिए मुश्तरका हल की जरूरत पर जोर दिया है। ऑस्ट्रिया के वजीर दाखिला गेरहार्ड कॉर्नर ने जर्मनी के फैसले को बहुत अच्छा करार देते हुए और सहराते हुए कहा है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से अफगानिस्तान और शाम में मुल्क बदरी पर पाबंदी के बारे में फौरी बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने रोशनी डाली कि ये दोनों ममालिक ऑस्ट्रिया में पनाह की दरख्वास्तों का एक अहम हिस्सा हैं। लेकिन ऑस्ट्रिया की आईनी अदालत ने इस बात की तस्दीक भी की है कि अफगानिस्तान में मुल्क बदरी का जायजा मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल की बुनियाद पर लगाया जा सकता है और वफाकी दफ्तर बराए मुहाजरीन और पनाह गजीन इन डिपोर्टेशन को नाफज करने के लिए फाल तौर पर काम कर रहा है। कई यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत में मसरूफ है, ताहम इस इकदाम पर इंसानी हकूक की तंजीमों बशमूल अमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से शदीद तनकीद की गई है, जिनका कहना है कि बैनुल अक्वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वो तालिबाना की जावराना हुकूमत की तरफ शरा करते हैं, जिस पर इंसानी हकूक की निजामी खिलाफ वर्जियों खास तौर पर खवातीन अकलियतों और साबका हुकूमत के साबक साथियों के खिलाफ इल्जाम आयद किए गए हैं। जबकि दूसरी तरफ मुश्तरका मुल्क बदरी के तसव्वुर को ऑस्ट्रिया में मुख्तलिफ सियासी धड़ों में हमायत हासिल हुई है। कुछ हुकाम ने खबरदार किया है कि हर मामले की एहतियात से जांच पड़ताल करनी चाहिए। वजीर इंसाफ एल्मा जैडिक ने मुल्क बदरी के साथ आगे बढ़ने से पहले मजबूत कवानीन के इतलाक और तमाम आईनी अख्तियारात को खत्म करने की अहमियत पर जोर दिया। अब ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब ऑस्ट्रिया सियासी पनाह की दरख्वास्तों की एक बहुत बड़ी तादाद से बट रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 2023 में मुल्क के अफगान शहरियों की तरफ से तकरीबन 9000 दरख्वास्तें मसूल हुईं, जो तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में जारी इंसानी बहरान की अक्कासी करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला संगीन इखलाकी और इंसानी खदशात को जन्म देता है, खास तौर पर तालिबान की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहरीक के पेश नजर एक तशवीशनाक तशवीश है कि मुल्क बदर किए गए अफराद को अफगानिस्तान वापसी पर जुल्मों सितम का सामना करना पड़ सकता है। आई होप कि यहाँ पर अफगान मुहाजरीन की प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जाएगा और एक रीजनल स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखकर कवानीन बनाए जाएंगे। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपके लिए काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।